हरिओ अजिताय ओ अपराजिताय हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक भावपूर्वक मैं अपनी प्रिय अपराजिता देवी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हे अपराजिता देवी, आपको नमस्कार है। हे भय रहित, पाप रहित, परिमाण रहित, अमृत तत्व वाली अपराजिता, पढ़ने से सिद्ध होने वाली, जप करने से सिद्ध होने वाली, स्मरण करने मात्र से सिद्ध होने वाली, सिद्धि देने वाली, नवासीवा स्थान वाली, अकेले रहने वाली, निश्चित सुधर्मा, एक अन्न लेने वाली, उमा, ध्रुवा, अरुंधति, गायत्री, सावित्री, जातवेदा, मांस्तोका, सरस्वती, धरणी धारण करने वाली, सोदामनी, अदिति, दिति, विनिता, गौरी, गंधारी, मातंगी, कृष्णा, यशोदा, सत्यवादिनी, ब्रह्मावादिनी, काली, कपालिनी, कराल नेत्र वाली, भद्रा, निद्रा, सत्य की रक्षा करने वाली, जल में, स्थल में, अंतरिक्ष में, सर्वत्र प्रकार के उपद्रवों से रक्षा करो स्वाहा। जिस स्त्री का गर्भ नष्ट हो जाता है, बार बार गर्भपात होता है, बालक मर जाता है, अथवा वह काक वंध्या भी हो, तो इस विद्या को धारण करने से गर्भिणी जीव वत्सा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसी त्रिलोक के महाशक्ति माँ अपराजिता को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अब मैं उस महान बलशाली विद्या को कहूँगा जो सभी दुश्मनों का, दुष्टों का, शत्रुओं का नाश करने वाली है। दरिद्रते दुख को नाश करने वाली, दुर्भाग्य का नाश करने वाली, सभी रोगों का नाश करने वाली, भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस का नाश करने वाली, डाकनी शाकनी स्कंद कूष्मांड का नाश करने वाली, महारोद रूपा महाशक्तिशालिनी तत्काल विश्वास देने वाली है। यह विद्या अत्यंत गोपनीय है तथा भगवान भोलेनाथ, भूतनाथ, भामन भोलेनाथ की तो सर्वस्व है, इसलिए इसे गुप्त रखना चाहिए। ऐसी विद्या तुम्हें कहता हूँ, सावधान होकर सुनो, बड़े विश्वास से, बड़े परोपकारी बन के सुनो, बड़े आध्यात्मिक बन के सुनो। 1, 2, 4 दिन या आधे महीने, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक चलने वाला ज्वर, पित्त संबंधी ज्वर अथवा कफ दोष या सन्निपात हो, या मुहूर्त मात्र में रहने वाला पित्र ज्वर हो, विषम ज्वर हो, 2 दिन वाला, 3 दिन वाला, 1 दिन वाला अथवा अन्य ज्वर हो, वह सब अपराजिता के स्मरण मात्र से शीघ्र नाश हो जाते हैं और व्यक्ति स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की प्राप्ति करता है। माँ देवी का सूर्यास्त के बाद रात्रि काल में ध्यान करने से व्यक्ति को अलौकिक शक्तियों की, सिद्धियों की प्राप्ति होती है, और माँ देवी जब प्रसन्न हो जाती है तो उसके घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं, उसके शत्रु बुद्धिहीन हो जाते हैं। माँ अपने त्रिशूल से शत्रु की जीवा को बारंबार कील देती है, उनकी बुद्धि का नाश करके उनका सर्वनाश कर देती है। माँ देवी की पूजा करने से, उनका ध्यान करने से, अपराजिता स्तोत्र पढ़ने से संसार के सभी प्रकार के भयों से व्यक्ति छूट जाता है, मुक्त हो जाता है, उसे किसी प्रकार का कोई भी भय नहीं रहता। उस व्यक्ति पर, उसके परिवार व्यापार पर किसी प्रकार का कोई तंत्र नहीं चल सकता, किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं चल सकती, कोई विद्या नहीं चल सकती। ऐसी परम देवी महाशक्तिशाली त्रिलोकी देवी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए प्रिय दर्शकों, माँ का गुणगान किया हमने, अब माँ देवी के आगमन हो चुका है, अब माँ देवी को हम पुष्प माल्याम समर्पण करेंगे। ये माला आप सब की तरफ से है। खड़े हो जाइए सभी लोग और हाथ जोड़ के माँ देवी को प्रणाम करें। खड़े होकर आप उनका
ध्यान करेंगे और माँ देवी को आप अपने भाव से ही बोल दीजिएगा कि हे माँ अपराजिता देवी, आपको हमारी तरफ से भी पुष्पमाला समर्पयामि। ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। माँ अपराजिता देवी को पुष्पमाल्याम समर्पयामि। सभी प्रिय दर्शकों, चैनल के सभी दर्शकों जो इस कार्यक्रम को लाखों व्यक्ति देख रहे हैं, उन सब की तरफ से हे माँ पुष्पम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि। आइए प्रिय दर्शकों, शंखनाद करते हैं और माँ देवी को प्रसन्न करते हैं। शंखनाद से देवी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। इसकी शंखनाद की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा आपके घर तक प्रवेश करेगी। आप टीवी के माध्यम से भी अभी जो शंखनाद सुनेंगे, ये बहुत ही दिव्य ऊर्जा है, अलौकिक ऊर्जा है। इसका आनंद लीजिए और शंखनाद करके माँ देवी को प्रसन्न करिए। शंखनाद को ध्यान से सुनिए। आइए प्रिय दर्शकों, हमारा ये लाइव कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं और सबसे पहले हम अपने प्रियजनों को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम बेटा, आपका स्वागत है। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। संतोष कुमार गुप्ता। ऊंचा बोलिए बेटा, जल्दी से अपनी उम्र बताएं मुझे। 156 है बेटा। बस 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 26। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। राधा गुप्ता। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर अभी बने रहिएगा, फोन नहीं काटना। जी जी। बेटा आवाज आ रही है आपको? जी हाँ। बेटा बहुत जीवन में परेशानी चल रही है बेटा, घर में कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है बेटा आपके। हाँ हाँ गुरुजी। पैसे की बरकत बेटा बिल्कुल भी नहीं होती। हाँ गुरुजी सही है। है बेटा? हाँ गुरुजी सही बात। बेटा जितना कमाते हो उससे ज्यादा बेटा पैसा बीमारी पर जाएगा आगे बेटा। जी एकदम 100% सही। और एक बात का बेटा और ध्यान रखना बेटा, लंबे समय की बेटा ये परेशानी चल रही है आपके जीवन में। जी? पैसे की बेटा घर में कोई बरकत नहीं और आपके बेटा जल्दी से कोई काम भी नहीं बन पाएंगे, किसी चीज़ में आपको कोई भी सफलता नहीं मिल पाएगी। आने वाले 18 महीने बहुत ज़्यादा बेटा मानसिक तनाव वाले हैं आपके लिए। थोड़ा बेटा अपनी सावधानी बरतो ताकि जीवन में बेटा कुछ आपको सुख मिल सके। आपको सबसे बड़ा दोष है बेटा, जन्म से ही आपको राहु केतु का एक छाया दोष लगा हुआ है। छाया दोष के कारण आपका जीवन बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है और आपको किसी क्षेत्र में कोई भी सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है।
राहु केतु की छाया दोष के लिए आपको बेटा थोड़ा सा राहु केतु की विशेष शांति करनी पड़ेगी। और जीवित मछलियाँ बेटा, जो जीवित मछलियाँ होती हैं, कुछ मछलियाँ बेटा आपको खरीदनी है। वर्ष में कम से कम बेटा आपको हर 3 माह के अंदर एक बार 8 मछलियाँ खरीदनी है बेटा। 8 मछलियाँ खरीद कर, जीवित मछलियाँ, उसको जाके बेटा आप बहते पानी में कहीं नदी में अपने हाथ से प्रवाह कर दें। और जिस घर में बेटा आप रहते हो, घर के अंदर बेटा आपके आपको एक तो भगवान विष्णु की प्रतिमा लगानी है बेटा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का पाठ किया करें। बुधवार के बुधवार थोड़े से जौ, थोड़े से काले तिल, थोड़े से सफ़ेद तिल, ये आपको बेटा दान करने हैं। ये करने से जीवन में सुख मिल जाएगा। और जो घर का बेटा आपका वायव्य कोण है, यानी पश्चिम और उत्तर का कोण, उस कोण में बुधवार के दिन ही बेटा आपको एक काले रंग का झंडा लगाना है, जिससे बेटा जीवन में आपको सुख मिलेगा, आपके कार्य बेटा सिद्ध हो जाएंगे, आपको जीवन में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक बात का बेटा ध्यान रखना, आपको बेटा जीवन में कभी भी नशा नहीं करना, कभी भी बेटा तामसिक भोजन का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना। और एक बात का और भी ध्यान रखना, रात का खाना बेटा हमेशा नीचे बैठ के आपको खाना है, और शुद्ध सूर्यकांत मणि रत्न आपको धारण करना, इसके साथ में एक पन्ना रत्न बेटा अवश्य धारण करना। और ग्रहों के अंदर अनुष्ठान के द्वारा बेटा वर्ष में एक बार केतु की शांति करवाएं, जिससे आपको बेटा सुख और जीवन में कार्य सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। बेटा मुझे एक बार अपना गोत्र बताओ जल्दी से। अच्छा गोत्र जी, अभी बेटा मैं आपकी अर्जी लग रही है, इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक गुप्त उपाय भी प्रदान किया जाएगा। बेटा जल्दी से बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम, सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, आगे भी हम कॉल अवश्य लेंगे, लेकिन कुछ पल का मौन रखते हैं। सद्गुरु श्री कृष्णन कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम हरिओम बेटा, आपको आवाज आ रही है बेटा? हाँ बेटा, जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। हेलो बेटा, नाम बोलिए अपना। मेरा नाम उर्मिला है। उर्मिला बेटा, अभी कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हम गौर से नोएडा से बात कर रहे हैं जी। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। हाँ गुरु जी, समझ में नहीं आया आप बात कर। बेटा कितने वर्ष के हो गए हो आप? हेलो बेटा, मुझे सुन पा रहे हो आप? आवाज आपकी बहुत कम आवाज है, आपकी समझ में नहीं आ रही आपकी आवाज। बेटा अभी किसके लिए जानना चाहते हो? मैं अपने बेटे के बारे में जानना। बेटे का नाम बताओ। लड़के का नाम निशांत गुप्ता है। कितने वर्ष का है आपका बेटा? उसका जन्म 1999 का परिचय जी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 11। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना, फोन नहीं काटना। मेरे माथे की रेखा, दुख का तो मैंने प्रभु रेशा न देखा। काली काली थी मेरे माथे की रेखा, दुख का तो मैंने प्रभु रेशा न देखा। हो के निराश में आया तेरे बारे, हो के निराश में आया तेरे बारे। भागे देखो भागे कैसे मेरे दुर्दिन, कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन।
हरिओम। मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन, आज आ रही है आपको कृष्णन श्री कृष्णन सच्चा मेरा सद्गुरु। हेलो हाँ गुरु जी। बेटा बेटा आपका जो लड़का है बेटा, इस पे बहुत बड़ा संकट है बेटा। इसके ऊपर बेटा कोई लड़की का चक्कर है, दूसरा बेटा वशीकरण तंत्र बाधा चल रही है, जिसके कारण ये बच्चा घर से भाग सकता है। और इस पे बेटा कोई कोर्ट कचहरी का भी बेटा मुकदमे का योग बना हुआ है। आने वाले लगभग डेढ़ वर्ष इस बच्चे के लिए शुभ नहीं है। ये लड़का जो है बहुत बुरे बेटा संकट में फंसा हुआ है। ये बताओ बेटा, अभी कोई लड़की का चक्कर आया हुआ है इसके ऊपर? हाँ, अभी लड़का टेंशन में है, डेढ़ साल हो जा रही है उसका। और लड़की ने मतलब लड़की लड़का दोनों ये भगने के बाद लड़की ने ज्ञान गलत कर दिए। अच्छा, लड़की ने इस पे केस कर दिया ना बेटा? हाँ हाँ। बेटा इससे विवाह मत करना, नहीं तो आगे भी बेटा जिंदगी बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। तो लड़की ने अपनी शादी दूसरी जगह कर ली है बाप, लड़का हमारा किसी भी दिन में छूट जाएगा गुरु जी। कोई बात नहीं बेटा, आपका लड़का बिल्कुल मुक्त हो जाएगा बेटा, चिंता ना करें। कुछ उपाय दे रहा हूँ। बच्चे को बेटा राहु का और पितरों का दोष है। एक तो बेटा करना क्या है आपने, सबसे पहले आपको बेटा एक काले रंग का कंबल, 800 ग्राम सफेद तिल, 800 ग्राम काले तिल, कुछ दक्षिणा के साथ में बुधवार को बेटा किसी मांगने वाले दरिद्र व्यक्ति को बेटा दान करना है। इसके अलावा बेटा हर शनिवार को मंदिर में जाके सूर्यास्त के बाद शिवालय में बेटा 7 सरसों के तेल के दीपक अवश्य जलाने, 5.25 रत्ती का सूर्यकांत मतलब रणि, सूर्यकांत मणि रतन और रूबी रतन बेटा ये बच्चे को गले में लाल रंग के धागे में धारण करवा देना। और आज बेटा कृतिका नक्षत्र है, कहीं से थोड़ी बेल की जड़ प्राप्त कर लीजिए, उसको गंगा जल कच्चे दूध से धोके तांबे के तावीज में लाल रंग के धागे में बेटे को गले में धारण करवा देना, इससे लाभ मिलेगा। शनि और बेटा केतु की शांति करवाना बहुत आवश्यक है, पितरों की शांति भी करवाएं, जिससे आपका बच्चा बहुत जल्दी इस संकट से बच जाएगा। तंत्र बाधा का प्रभाव है आपके बच्चे पर। देवी अपराजिता का स्तोत्र संध्या काल में रोज सुनना है अपने घर में बेटा, इससे आपके परिवार पर बड़ी विशेष देवी कृपा होगी और आपका बच्चा सुरक्षित हो जाएगा। तो छूट जाएगा लड़का हमारा? बिल्कुल छूट जाएगा, चिंता ना करें बेटा, उपाय करना। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो चिंता ना करें, आप अभी आप अपने मोबाइल के फेसबुक पर जाएं, प्रभु दरबार टाइप करें, हमारे प्रभु दरबार पेज को आप फॉलो करें, शेयर कर दीजिए। यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर इस प्रोग्राम को लाइव देखना चाहते हैं, शाम को 4:30 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली इस नित्य दिन आप इस कार्यक्रम को लाइव देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है प्रभु दरबार, तो प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पर जाएं, उसको अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, उसको फॉलो करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, शेयर कर दीजिए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम में इस जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। हरिओम बेटा, आपका स्वागत है बेटा। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। गणेश नाम है गुरुजी। है बेटा गणेश। गणेश बेटा अभी कहाँ से बात कर रहे हो आप? उज्जैन से बात कर रहा हूँ गुरुजी। 1 से लेके बेटा 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 9 नंबर। अपनी बेटा माताजी का नाम बताओ। उर्मिला देवी। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन, कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। हाथ उठाए आशीष तू दे, कृपा तेरी काटे मेरे सारे बंधन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। हरिओम गुरुजी। बेटा बहुत नकारात्मक ऊर्जा घर में दिखाई देती है, बुद्धि भ्रमित है आपकी, गलत गलत सोचते हो,
मुझे ऐसा लगता है बेटा, कुछ अच्छा काम करते उसमें अड़चने भी आती होंगी और नकारात्मक विचारों से घिरे हुए हो। ये बताओ बेटा, बुरे विचार मन में ज्यादा चलते हैं बेटा? जी गुरुजी जी, क्योंकि पूजा वगैरह करता हूँ गुरुजी, उसमें भी मेरा मन नहीं लगता है, बुरे बुरे ख्याल आते हैं उसमें भी। पूजा में बेटा बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा आपका? नहीं गुरुजी। अच्छा, घर में बेटा कोई ना कोई बीमारी बेटा लगी रहती है आपके? बिल्कुल, माता जी को बहुत बीमारी, डॉक्टर ने कभी इलाज का सारा खर्चा भी होता है, लेकिन इतना खर्च हो जाता है बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है। माता जी बेटा कितने वर्ष की हो गई है आपकी? 40 वर्ष की हो गई है। जी बेटा, तो जब भी पूजा पाठ करते हो गलत विचार मन में आते हैं? जी गुरु जी। जब बेटा पूजा करते हो तो नीचे फर्श पर बैठते हो, खड़े होकर पूजा करते हो, या किसी कंबल या किसी आसन पर बैठ के पूजा करते हो? कंबल पर बैठकर आसन करके पूजा करते हो। कंबल का रंग कौन सा है बेटा? पिंक कलर है गुरुजी। बेटा लाल रंग का बेटा कंबल लेके आना है आपको, लाल रंग का आसन लेना है, गहरे लाल रंग के आसन पर बैठकर आपको बेटा पूजा करनी है। दूसरा बेटा, जब भी पूजा करते हो बेटा तो उत्तर या पूर्व मुखी बैठकर ही पूजा किया करो। इसके अलावा बेटा एक लाल रंग का चमकदार रेशमी 1 मीटर कपड़ा लेके आना, उसमें बेटा 200 ग्राम सौंफ, 200 ग्राम बेटा देसी खांड, ये बेटा मिला के उसकी पोटली बना देना। जहाँ पर आप सोते हो आप बेटा उस पोटली को उस तकिए के नीचे रख के सोना जो आप तकिया लगाते हो। इसके अलावा बेटा ये बताना, जब भी आप खाना खाते हो ज़्यादातर बेटा जिस बेड पे सोते हो उसी बेड पर बैठ कर ही खाना खाते हो? जी गुरुजी। जिस बेड पे सोते हो उस बेड पर यदि बैठकर खाना खाओगे तो आपका राहु आपको नकारात्मक फल देगा। एक चीज बेटा और बताना, जो आपके घर की छत है, क्या आपने अपने घर की छत पर कुछ वेस्ट वस्तुएं, पत्थर, पुरानी लकड़ी, जंग लगा हुआ लोहा या काफी जो वेस्ट वस्तु होते हैं वो ऊपर भर रखी है छत के ऊपर? घर का सारा सामान जो पुराना होता है उसी को छत पर रखा हो गुरुजी। बेटा इससे और भी ज्यादा बेटा आपके घर में मुसीबतें बढ़ जाएंगी, पैसा सारा बीमारी पर जाएगा, घर में बरकत नहीं हो पाएगी, पूजा पाठ का फल नहीं मिलेगा, राहु आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा के स्तर को कई गुना बढ़ा देगा, जिसके कारण घर में कला कलेश और एक नकारात्मक विचार आपको घेर रखेंगे। घर की छत को बेटा बिल्कुल साफ कर देना, घर की छत पे कोई कबाड़ वेस्ट वस्तु नहीं होनी चाहिए, घर के अंदर कोई खराब इलेक्ट्रॉनिक का सामान, बंद घड़ी, कोई खराब मोबाइल, कोई पुराना खराब टीवी या कोई भी खराब इलेक्ट्रॉनिक का सामान ये नहीं होना चाहिए। और घर में बेटा जो जूते रखते हो आप, जूतों के ऊपर जूते ढेर लगा के नहीं रखने, जूते हमेशा रैक वाइज और साफ करके जूते रखा करो, किसी जूते पर कोई धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए। एक बेटा गले में 1 मुखी और 1 6 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना है सुबह और शाम, अपराजिता देवी का स्तोत्र या तो पढ़ें या सुनें, आपका बेटा कल्याण अवश्य हो जाएगा। थोड़ा सा बेटा कुत्ते को रोज दूध अवश्य पिला दिया करो, और मंगलवार को छोटे गरीब लड़कों को बेटा थोड़ा सा अपने हाथ से बिस्कुट बांटने, आपको जीवन में पूर्ण सुख मिलेगा और आपकी माता जी भी स्वस्थ हो जाएंगी। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोलिए। ओम हरिओम, 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 सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे अवश्य बढ़ाएंगे, कुछ पल का मौन रखते हैं। सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्ण, कृष्ण हे कृष्ण श्री कृष्ण, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्ण। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रिय दर्शक को माँ के दरबार से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है बेटा, कहाँ से बात कर रहे हैं बेटा? मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ गुरुजी। जी अपना बेटा मुझे पूरा नाम बताएं। मेरा नाम कल्पना है गुरुजी। कल्पना बेटा अपनी उम्र बताइए मुझे। मैं 37 वर्ष की हूँ गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए गुरुजी। 22। अपनी माँ का नाम बताएं। माता का नाम है माया देवी गुरुजी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जी गुरुजी।
कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन हाथ उठाए आशीष तू दे कृपा तेरी काटे मेरे सारे बंधन हाथ उठाए आशीष तू दे कृपा तेरी काटे मेरे सारे बंधन कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन हरि ओम गुरुजी। इस वर्ष बेटा कुछ अपनी संतान को लेकर चिंतित रहेंगे बेटा, कुछ संतान को लेकर चिंता दिखाई देती है बेटा। हाँ जी गुरुजी, मेरी एक लड़की है गुरुजी, अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ, एक बेटा चाहिए गुरुजी, बेटा होगा तो परिवार पूरा हो जाएगा, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। जी बेटा। जी बेटा, एक बार मुझे अपने पति का भी नाम बताएं। पति का नाम है रोहित गुरुजी। तीन बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। जी गुरुजी। दुख में भी चरता बरसों रहा मैं तपता भटकता चिंता में जलता दुख में भी चरता हारा अंत शरण बेटा। एक बात बताना, अभी आपके पास एक बेटी है। जी गुरुजी। जो आपकी बेटी है बेटा, क्या इस बेटी के जन्म से पहले और जन्म के बाद बेटा दो बार आपको गर्भपात हुआ है बेटा? जी गुरुजी हुआ है गुरुजी। और इसी बात को लेकर अभी ज्यादा चिंतित हो कि कहीं कोई बेटा संतान को दिक्कत ना आ जाए? जी गुरुजी। पुत्र का योग तो बेटा अवश्य बनेगा, आपके भाग्य में पुत्र का योग अवश्य है। संतान की रक्षा बेटा करने के लिए आपको बेटा कुछ विशेष उपाय करने हैं जिससे संतान आपको सुखद रूप से प्राप्त हो, ऐसी बेटा मैं प्रार्थना करता हूँ। एक तो बेटा रोजाना बेटा थोड़ा कुत्ते को दूध अवश्य पिलाया करो। दूसरा बेटा आपको सोमवार के दिन बाजार से एक बेटा छोटी सी तांबे की लुटिया लेके आनी है। उस तांबे की लुटिया में मंगलवार को सुबह सूर्योदय काल में गंगा जल कच्चे दूध से पहले धो लेना, उसको साफ करके साफ कपड़े से उसमें शहद भरना है और लाल रंग के कपड़े से उस लोटे का उस लुटिया का मुख बांध कर उसको अपने हाथ से बेटा आपको घर के पूजा के स्थान पर रखना है। रोजाना उस कलश को आपने शहद का हल्का सा तिलक लगाना है, पहले तिलक शहद को लगाना है फिर तिलक आपने स्वयं को लगाना है। ये प्रक्रिया बेटा आपको अवश्य करनी है जिससे आपका गर्भ सुरक्षित रहेगा, संतान सुरक्षित रहेगी। इसके अलावा बेटा किसी भी आने वाले बुधवार के दिन एक स्लेटी रंग का कंबल, 800 ग्राम सफ़ेद तिल, 800 ग्राम काले तिल, ये चीज़ें बेटा तीनों वस्तुएं कुछ दक्षिणा साथ में रखे किसी व्यक्ति को दान करना है। ध्यान रखना ये जो दान करोगे ये किसी मंदिर में जाके ब्राह्मण को नहीं करना, किसी मांगने वाले पुरुष को करना है और वो भी सूर्यास्त के समय करना है बेटा, ये ध्यान रखना। एक बेटा आपको छह मुखी रुद्राक्ष आपको पीले रंग के धागे में गुरुवार के दिन अपने कंठ में धारण करना है। 16 गुरुवार बेटा 400 ग्राम चने की दाल मंदिर में देते रहना और ऐसा करने से आपको बेटा पूर्ण लाभ मिल जाएगा। एक बात का बेटा ध्यान रखना, जिस बेड पे सोते हो उस बेड के चारों तरफ कमरे की किसी भी दीवार पे कोई देखने वाला शीशा नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको बेटा वहाँ से हटा देना। उपाय अवश्य करना, बहुत जल्दी बेटा आपको सुखद संतान का योग सफल हो जाएगा। बेटा एक बार मुझे अपना गोत्र बताओ जल्दी से। गोत्र भारद्वाज जी गुरुजी। जी अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक विशेष गुप्त उपाय अवश्य दिया जाएगा। बड़े प्रेम से बेटा तीन बार हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण। प्रिय दर्शकों कॉल अभी और अवश्य लेंगे, कुछ पल का मौन रखूंगा। सद्गुरु श्री कृष्णन का
काली थी मेरे माथे की रेखा, दुख का तो मैंने प्रभु रेशा न देखा। काली काली थी मेरे माथे की रेखा, दुख का तो मैंने प्रभु रेशा न देखा। होके निराश में आया तेरे बारे, होके निराश में आया तेरे बारे, भागे देखो भागे कैसे मेरे दुर्दिन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक प्रिय दर्शकों को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हेलो, हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत। बेटा जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। गुरुजी मेरा विक्की नाम है। विक्की बेटा कहाँ से बात कर रहे हो? गुरुजी हिमाचल से बात कर रहे हैं। अपनी बेटा मुझे उम्र बताइए। बेटा अपनी उम्र बताएं जल्दी से। गुरुजी 35 वर्ष है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। गुरुजी 26। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। तूने दिया उजाला, मार्ग दिखाया प्रभु तूने दिया उजाला, पावन हुआ मेरा सारा जीवन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। नक्षत्रों की टेढ़ी काली नजरे, रूठे ग्रहों के चाहे बादल गरजे। नक्षत्रों की टेढ़ी काली नजरे, रूठे ग्रहों के चाहे बादल गरजे। बलिहारी तूने प्रभु है बचाया। बेटा आवाज आ रही है आपको? जी गुरुजी। स्वास्थ्य बेटा काफी खराब रहता है बेटा? जी गुरुजी। कितने समय से बेटा परेशानी आ रही है बेटा? गुरुजी लगभग साल भर हो गए। कभी कभी बेटा ऐसा भी होता है जैसे बेटा सिर में कुछ भारीपन रहता हो, आंखों में दर्द रहता हो, चक्कर आते हो बेटा? जी गुरुजी। यही चल रहा है बेटा? हेलो बेटा, ऐसा ही हो रहा है आपके साथ? जी गुरुजी। दवाई खाते हो बेटा, दवाई में कोई लाभ नहीं मिलता? नहीं गुरुजी, कोई लाभ नहीं है। जी बेटा, बेटा एक काम करना, थोड़ा सा बेटा राहु का ये दुष्प्रभाव दिखाई देता है बेटा आपके ऊपर, थोड़ा सा बेटा इसमें कुछ नकारात्मक ऊर्जा भी है, इसको बेटा प्रेत बाधा भी बोल सकते हैं बेटा। एक तो आपने सबसे पहले बेटा आपने उतारा करना है अपना। उतारे में करना क्या है बेटा, 7 प्रकार का अनाज आपको लेना है, कम से कम 800 ग्राम क्वांटिटी में, यानी 7 प्रकार का अनाज मिक्स कर लो, उसको 800 ग्राम क्वांटिटी में लेना है। और उस सभी 7 प्रकार के अनाज पर बेटा थोड़ा हाथ में सरसों का तेल डाल के और सभी हाथ बेटा उस सरसों के तेल को उस अनाज को बेटा लगाना है बेटा अच्छी तरह, और उसको काले कपड़े में बांध के शुक्रवार की रात को बेटा अपने बेडरूम में जहां आप सोते हो अपने बेटा सिर की तरफ उसको रख के सो जाना। शनिवार को आपने बेटा इसका उतारा करना है। इस पोटली को बेटा 7 बार सिर से सीधा वार कर उसको जाके बेटा कहीं बहते पानी में प्रवाह कर देना। ये बोल देना बेटा जब प्रवाह करोगे जहाँ से आई तू वहीं चली जा। 7 चक्र का एक गोमती चक्र बेटा आपको प्राप्त करना है बेटा कहीं से, जिसमें 7 चक्र हों, उसको बेटा चांदी में बनवा के सोमवार के दिन लाल रंग के धागे में आपको बेटा धारण करना है। सीधे हाथ की बेटा मध्यमा उंगली में एक ईरानी फिरोजा रतन अवश्य धारण करना, आपको इससे पूर्ण लाभ की बेटा प्राप्ति हो जाएगी। हर रविवार को कहीं से बेटा आपको एक बेल फल
कहीं से ढूंढना है हर रविवार के रविवार, जब तक आप पूरी तरह स्वस्थ ना हो जाएं, बस 4 से 5 बार आपको ये कार्य करना पड़ेगा। हर रविवार को एक बेल फल लेना है बेटा, उसको गंगा जल कच्चे दूध से धो के पूरे बेल फल पर रोली लगानी है आपको अपने हाथ से, और मंदिर में जाके बेटा उसको शिवलिंग पे आपको चढ़ाना है। ये उपाय बेटा अवश्य करना, आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा और जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। बेटा अपना गोत्र बताइए मुझे। गुरुजी मेरा गोत्र मिश्रा लगता है जी। अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक गुप्त उपाय भी प्रदान किया जाएगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलिए बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम, सदा आपका कल्याण। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से इसी प्रकार जुड़ सकते हैं, और बस एक ही प्रार्थना है, जब भी आपकी कॉल लगे बाहर नेटवर्क एरिया में बैठ के बात करें तो इससे हमें सुनने में भी अच्छा लगेगा, आपको आपको बात करने में भी अच्छा लगेगा। तो दर्शकों कॉल अभी अवश्य लेंगे, कुछ पल का मौन रखूँगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक और कॉल लेते हैं। हरिओम। हेलो हेलो बेटा, बेटा जल्दी से अपना नाम बताइए बेटा। संतोष कुमारी। संतोष बेटा अभी कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? पठानकोट से कर रहे हैं। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं जल्दी से। मेरी उम्र 63। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 15। अपने बेटा पति का नाम बताएं। त्रिविजय कुमार। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। बेटा स्वास्थ्य का ध्यान रखो बेटा, घर में बीमारी है, आप भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें बेटा। आपके जो पति देव हैं उनके ऊपर बेटा संकट दिखाई देता है। 2024 तक एक तो बेटा आपका वजन बढ़ता चला जाएगा, दूसरा पति पत्नी दोनों बीमार रहोगे, दवाई से कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये बेटा एक किस्म की बेटा दशा का प्रभाव है। 7 वर्ष का बेटा अभी ये योग चलता है आपके ऊपर बेटा बीमारी का। ये बताओ बेटा पति पत्नी अभी दोनों बीमार रहते हो बेटा? हाँ जी। और अभी आपका वजन भी बढ़ रहा है काफी? हाँ जी हाँ जी, ढंग से वजन भी काफी बढ़ रहा है। बेटा ढंग से रात को सोते नहीं हो आप? नहीं। बेटा पति पत्नी दोनों को बेटा अपने वजन के बराबर जौ लेने हैं, और उसको बेटा बुधवार के दिन बहते पानी में बेटा प्रवाह करना। इसके अलावा बेटा शुद्ध पन्ना रतन पति पत्नी दोनों को बेटा कंठ में अपने गले में धारण करना है।
रोजाना बेटा घर में तीन बेटा आपको रोटी रोज बनानी है, नमक चीनी और घी डालकर। एक बेटा अपने हाथ से गाय को दिया करो, एक तोड़कर कौओं को डाला करो, एक तोड़कर कुत्तों को डाला करो। रात को बेटा घर में रसोई बिल्कुल साफ करके सोना है। इसके अलावा बेटा हर शनिवार के शनिवार सुबह जब आप स्नान करते हो तो जल के अंदर बेटा थोड़े काले तिल डालकर स्नान किया करो। ग्रहों के अंदर बेटा आपको केतु की विशेष शांति करवानी है। इसकी विधि अभी बेटा मेरे आचार्य जी आपको प्रदान कर देंगे। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं। यदि आप हमारी वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो www.prabhudarbar.com पर जा सकते हैं। यदि इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल पर अभी देखना चाहते हैं तो हमारे प्रभु दरबार पेज पर जाएं और आप उसको शेयर कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए। YouTube चैनल पर शाम को 4:30 बजे भी आप इस कार्यक्रम को नित्य दिन लाइव देख सकते हैं और अपने लिए फ़ोन भी कर सकते हैं आप अपनी समस्याओं के लिए। हमारा YouTube चैनल है प्रभु दरबार YouTube चैनल, जल्दी से उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको लाइव की नियमित जानकारी प्राप्त हो सके। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताइए। गुरु जी, मेरा नाम रंजना है। रंजना बेटा, अभी कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? गुरुजी, मैं हिसार से बात कर रही हूँ, हरियाणा से। जी, अपनी बेटा मुझे उम्र बताइए। उम्र मेरी 25 साल। अपनी माँ का नाम बताएं। मेरी माता का नाम पूनम देवी है। तीन बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना, फोन नहीं काटना। बेटा काफ़ी इंटेलिजेंट हो और पढ़ने में लिखने में बेटा काफ़ी प्रवीण दिखाई देते हो। बेटा पढ़ाई पूरी हो गई आपकी? हाँ जी गुरुजी, मैंने अभी बीए करी है इंग्लिश से। जी, आगे बेटा क्या बनना चाहते हो, सरकारी पद चाहते हो? बिल्कुल गुरुजी, मैं यही चाहती हूँ कि मेरी सरकारी जॉब लगे और मैं आपसे मतलब जानना चाहती हूँ कि मेरी सरकारी जॉब लग पाएगी या नहीं लग पाएगी। बेटा बेटा या तो शिक्षा के क्षेत्र में या फाइनेंस बैंकिंग लाइन के अंदर यदि आप प्रयास करोगे तो सरकारी नौकरी का बेटा अवश्य आपका योग बनता है। ये बताओ बेटा, नाक पर या गाल पर बेटा कोई तिल का निशान है बेटा आपके? हाँ जी बिल्कुल है गुरुजी। कभी कभी गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हो? बहुत ज़्यादा गुरुजी, बहुत ज़्यादा। आपसे छोटा बेटा आपका भाई भी है? हाँ जी गुरुजी, हाँ जी। जी, एक बार बेटा मुझे अपने पिताजी का नाम बताइए आप। पिता का नाम? जी। सुरेश। तीन बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप?
हाँ जी गुरु जी, हाँ जी बेटा एक काम करना, 41 बेटा तांबे के सिक्के लेने हैं आपको बेटा, 41 यानी 41। हाँ जी। सोमवार के दिन बेटा आपको ये सिक्के इकट्ठे करने हैं और मंगलवार को सुबह सुबह जल्दी उठें, सभी सिक्कों को बेटा रेत से धोना है आपको। ये सभी सिक्के बेटा लाल रंग के कपड़े में बांध कर बेटा इसको जल में प्रवाह कर देना। एक बेटा आपको 5.25 रत्ती का शुद्ध पुखराज और ओपल रतन, ये दोनों रतन बेटा आपको अपने कंठ में धारण करने हैं। इसके अलावा बेटा आपको शिक्षा में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, कोई दिक्कत ना आए, नौकरी में कोई अड़चन ना आए, सूर्य की पूजा अवश्य किया करो, रविवार के रविवार थोड़ा मंदिर में गुड़ दान किया करो। इसके अलावा बेटा आपको थोड़े बेलपत्र लेने हैं रविवार के दिन, रोली लगाकर उसको मंदिर में जाके बेटा शिवलिंग पे चढ़ाओ। ये उपाय बेटा यदि आप करोगे तो बड़े विश्वास से कहूँगा आने वाला समय आपके लिए बड़ा उन्नति कारक होगा और आप अवश्य ही सरकारी नौकरी की अवश्य प्राप्ति कर लेंगे, इसमें कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं है। काले और नीले रंग के वस्त्र आपको कम से कम अपने जीवन में इस्तेमाल करने चाहिए बेटा। बेटा अपना एक बार मुझे गोत्र बताइए बेटा। हाँ जी गुरु जी। बेटा गोत्र क्या लगाते हैं अपना? भारद्वाज। अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा गुप्त उपाय भी प्रदान किया जाएगा। जल्दी से बेटा 3 बार हरिओम बोल दीजिए। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण। प्रिय दर्शकों, आप यदि जीवन में सरकारी सुख चाहते हैं, सरकारी पद चाहते हैं, तो सूर्य को प्रबल करना बहुत आवश्यक है। आप अपनी कुंडली में, अपने ग्रहों में ये अवश्य देख लें कि सूर्य की स्थिति क्या है। यदि आपका सूर्य मेष राशि का है, आपका सूर्य कन्या राशि का है, आपका सूर्य जो है श्रेष्ठम है, आपका सूर्य वृश्चिक राशि का है या सिंह राशि का है, यदि आपकी कुंडली में सूर्य षष्ठेश है, छठे भाव का स्वामी सूर्य आपके तृतीय भाव में विराजमान हो जाता है, छठे भाव का सूर्य स्वामी आपके लग्न में विराजमान हो जाता है, छठे भाव का स्वामी सूर्य चतुर्थ भाव में या दशम भाव में विराजमान हो जाता है, या छठे भाव का स्वामी सूर्य आपके पंचम या एकादश भाव में मौजूद है, तो ये सरकारी पद के बड़े सुंदर योग होते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में छठे भाव का स्वामी भाग्य भाव को, कर्म भाव को देखे या अपनी उच्च अवस्था में हो, श्रेष्ठम अवस्था में हो, तो ऐसे व्यक्ति को सरकारी पद की प्राप्ति अवश्य होती है। जिस व्यक्ति कुंडली में छठे भाव में मेष राशि का या सिंह राशि का सूर्य हो, ऐसा व्यक्ति बहुत ही उच्च कोटि का पद यानी IAS की पद को प्राप्त करता है, यानी IAS या IPS, IAS या IPS के पद की प्राप्ति करता है। जो उनसे हमारे प्रिय दर्शक IAS की तैयारी कर रहे हैं, हमारे बहुत सी ऐसी बहनें भी हैं जो IAS की तैयारी कर रही हैं, हमारे ऐसे बहुत से ऐसे बच्चे छोटे भाई भी हैं जो IAS की तैयारी कर रहे हैं, तो सूर्य को अवश्य देख लें, क्योंकि इसमें क्या होता है, इस पढ़ाई में खर्च भी काफ़ी हो जाता है और कम से कम 2 साल की मेहनत भी होती है। तो आपका वो 2 साल का समय आपको फ़ायदा देने वाला है या फ़ायदा देने वाला नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि आपके लाखों रुपए भी चले जाएं, आपका समय भी बर्बाद हो जाए और फिर भी आपको निराशा देखनी पड़ जाए, आपको अपने क्षेत्र में सफलता ना मिले। तो आप अपने पहले ग्रहों में ये आप अवश्य देख लीजिए। तुला राशि का सूर्य कहीं भी विराजमान है, सूर्य की राशि में शनि या शनि की राशि में सूर्य विराजमान है, तो आप कभी भी IAS या IPS की या श्रेष्ठम सरकारी पद की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। गलती से कहीं चांस मिल भी गया तो आपकी नौकरी चली जाएगी और तरह तरह के आप पर इल्ज़ाम भी लग सकते हैं। सूर्य को प्रबल हमेशा करके रखें, गले में लाल रंग का धागा अवश्य रखें, हाथ में अपने लाल रंग का कलेवा अवश्य बांध के रखें। इसके अलावा जो लोग सरकारी पद चाहते हैं उनको नियमित रूप से सूर्य स्तोत्र का, आदित्य स्तोत्र का पाठ नियमित करना चाहिए, गऊओं की सेवा करनी चाहिए रविवार के दिन, अपने पिता का, अपने बुजुर्गों का हमेशा आशीर्वाद लेना चाहिए, गेहूं का दान करना चाहिए, लाल वस्त्रों का दान करना चाहिए, संतों को भोजन दान करना चाहिए। तो दर्शकों आज के लिए थोड़ा समय यहीं पर हम समाप्त करने का समय आ गया है। कल इसी समय हम आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। माँ देवी अपराजिता की विशेष कृपा से ही आप सबके काम बनेंगे। तो दर्शकों बड़े प्रेम से आपको 3 बार बोलना है, हरिओम हरिओम हरिओम, ओम अजिताय नमः,
ओम अपराजिताय नमः। आइए प्रिय दर्शकों, माँ को चलते चलते आप सबकी तरफ से पुष्पांजलि अर्पण करते हैं। आप हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए, ये पुष्पांजलि आप सबकी तरफ से माँ देवी को अर्पण होगी, कृपा आप सबको प्राप्त होगी। जय माँ अपराजिता देवी मैया को प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक प्रार्थना पूर्वक पुष्पम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि। सभी प्रिय दर्शकों की तरफ से, हमारे सभी प्रियजनों की तरफ से, हे माँ आपके चरणों में पुष्पम समर्पयामि। आज के दौर में हम जहाँ देखते हैं वहीं प्रकृति का क्षरण हो रहा है, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है और मानव जीवन पर संकट बढ़ता जा रहा है, शरीर बीमारियों का घर बनता जा रहा है, संसार में बढ़ती जा रही नकारात्मकता और बीमारियां जब चरम पर पहुंचने लगी तो गुरुदेव कृष्णन जी महाराज ने कठोर साधना आरंभ कर दी। कई वर्षों की कठिन साधना के बाद गुरुजी ने प्राचीन जड़ी बूटियों के ज्ञान से दिव्य अलौकिक प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल का निर्माण किया, जिसका विधि पूर्वक सेवन करने से नकारात्मकता और बीमारियां मानव जीवन से दूर हो रही हैं। आज हजारों लोग गुरुदेव कृष्णन जी महाराज के आशीर्वाद प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल का सेवन कर रहे हैं और सुखमय स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। गुरुदेव कृष्णन जी महाराज के संस्थान प्रभु दरबार में कॉल करके आप भी अपने लिए प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल मंगवा सकते हैं। डायल कीजिए 751927519। अपने परिवार को स्वस्थ और सुखी बनाने के लिए प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल का नियमित सेवन कीजिए और फिर देखिए आपकी जिंदगी में खुशहाली ही खुशहाली होगी। पहले मैं हर वक्त बीमार रहती थी, कभी ये दवाई कभी वो दवाई, डॉक्टरों के चक्कर से थक चुकी थी, लेकिन मैंने जब प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल का सेवन किया तब से नो दवाई नो डॉक्टर। प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल से मेरी एसिडिटी और हाजमे की प्रॉब्लम जो बरसों से ठीक नहीं हो रही थी वह बिल्कुल ठीक हो गई। मेरे बच्चे आए दिन बीमार ही रहते थे, हमारी जिंदगी का सारा चैन खत्म हो गया था, पर अब मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल से हमारी जिंदगी बदल गई है। मैं थोड़ा सा भी चलता था तो मेरी सांस फूल जाती थी, लेकिन जब से मैंने प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल का सेवन करना शुरू किया है तब से ना तो मेरी सांस फूलती है और ना ही मुझे थकान होती है। गुरुदेव कृष्ण जी महाराज की कृपा और प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल है तो बीमारी बाय बाय। गुरुदेव कृष्णन जी महाराज के संस्थान प्रभु दरबार में कॉल करके आप भी अपने लिए प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल मंगवा सकते हैं। डायल कीजिए 751927519।